विशिष्ट मेहमान और दोस्त तथा ईरानी इस्लामिक गणतंत्र के राष्ट्रपति हिज एक्सलेंसी डॉक्टर हसन रूहानी, भारत और ईरान के शिष्टमंडल के सम्माननीय सदस्यगण, फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, नमस्कार। योर एक्सलेंसी, भारत में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। 10 वर्ष के अंतराल के बाद ईरान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हो रही है। आपकी मेजबानी करना हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैंने वर्ष 2016 में तेहरान की यात्रा की थी और अब 2 वर्ष के भीतर आपकी यात्रा हमारे देशों के पुराने और दोस्ताना रिश्तों को और भी मजबूत बनाने का एक सुनहरा मौका देती है। हमारे आपसी संबंध सिर्फ राजनैतिक और राजनयिक संबंध ही नहीं है, वे सभ्यता और संस्कृति के हजारों साल पुराने रिश्ते हैं। इनमें आपसी आदर और विश्वास की भावनाएं हैं। पड़ोसी और दोस्त होने के नाते भारत और ईरान का रिश्ता सैकड़ों साल से एक दूसरे के वजूद को और भी निखारता रहा है। मौलाना रूमी को जितना ईरान में मान मिला है, उतना ही भारत में भी मिला है। आपसी सहयोग से दोनों देशों की समृद्धि की आकांक्षा है और अपने क्षेत्र और विश्व में शांति और स्थिरता की आशा है। एक्सलेंसी, आपकी लीडरशिप और आपके विजन की स्पष्टता ने भारत ईरान संबंधों को और भी मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। 2016 में मेरी ईरान यात्रा में हमने द्विपक्षीय सहयोग का एजेंडा तथा रोडमैप तय किया था। आपकी भारत यात्रा से हमारी साझेदारी बढ़कर सहयोग के नए और अधिक ऊंचे मुकाम पर पहुंची है। आज के परिणाम और जिन समझौतों पर हमने हस्ताक्षर किए, वे पिछले कुछ ही समय में हुई प्रगति का संकेत देते हैं। ये दोनों तरफ की यह इच्छा दर्शाते हैं कि हम अपने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं, कि हम कनेक्टिविटी को और बढ़ाना चाहते हैं, कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाना चाहते हैं और सदियों पुराने हमारे सांस्कृतिक संबंधों को और भी मजबूत करना चाहते हैं। हम क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक्सलेंसी, चारों ओर जमीन से बंद अफगानिस्तान के लिए और मध्य एशिया क्षेत्र के गोल्डन गेटवे के तौर पर चाबहार पोर्ट को विकसित करने में आपने जो नेतृत्व प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम चाबहार जहीदान रेल लाइन के विकास को समर्थन देंगे ताकि चाबहार गेटवे की पूरी क्षमता का लाभ उठाया जा सके। हमने आज और भी अनेक मुद्दों पर चर्चा की, अनेक निर्णय भी लिए। कर हो या निवेश, प्रभावी बैंकिंग चैनल हो या ट्रेड बॉडीज के बीच सहयोग, हमने भविष्य के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम आज उठाए हैं। लोगों के बीच पारस्परिक आदान प्रदान बढ़ाने पर हमने विशेष ध्यान दिया है। बहुत लंबे समय से भारतीय और ईरानी एक दूसरे से सीखते रहे हैं, एक दूसरे के यहाँ पढ़ते रहे हैं। मुझे खुशी है कि छात्रों और विद्वानों के माध्यम से यह सिलसिला आज भी चल रहा है।
संसदीय आदान प्रदान बढ़ाने, पारस्परिक आधार पर ई वीजा सुविधा देने, सांस्कृतिक उत्सवों के आयोजन, इंडियन स्टडीज में चेयर की ईरान में स्थापना और फारसी भाषा में सहयोग से इस दिशा में मदद मिलेगी। हमने मछुआरों और सी फेरर्स से संबंधित मानवीय मुद्दों के समाधान के लिए भी बात की है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, पारंपरिक औषधि, कृषि, श्रमिक, उद्यमिता और संचार के नए क्षेत्रों में हमारे सहयोग के क्षेत्र का विस्तार किया है। हम इस बात पर सहमत हैं कि भारत और ईरान के बीच भागीदारी इस क्षेत्र में शांति और समृद्धि और स्थायित्व के हित में है। हम दोनों देश अपने पड़ोसी मित्र अफगानिस्तान को शांतिपूर्ण, सुरक्षित, स्थायी, समृद्ध और प्लूरलिस्टिक देश के रूप में देखना चाहते हैं। हम अपने क्षेत्र और विश्व को आतंकवाद से मुक्त देखना चाहते हैं। भारत और ईरान दोनों देशों के लोग शांति और सहिष्णुता के सूफी संदेश की साझा विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हमारे साझा हितों को देखते हुए हम ऐसी ताकतों के विस्तार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो आतंकवाद, उग्रवाद, अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी, साइबर क्राइम और विभिन्न स्वरूपों में अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों को बढ़ावा देती हैं। एक्सेलेंसी, आपकी यह यात्रा हमारे दोनों देशों के लिए और इस क्षेत्र के लोगों के लिए स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के विजन को मार्गदर्शन देगी। हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं आपको एक बार फिर हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।